बैंक निफ्टी पे अगर आप शॉर्ट हैं, और जैसे कि अभी 2 बजे डिस्कशन हुआ था मेरा हर्ष दा का स्ट्रेटेजीज पर, के बैंक निफ्टी के लिए 34,900 और 34,880 का वॉल्यूशन भारी पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी आ गया है 34,868 पे। मानस ने बतौर विकल्प, याद रखिएगा, आपको 31 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का पुट दिया है, और सही आंकलन था उनका बिल्कुल, कि जब आईवीज बहुत बढ़ चुकी हों, ऑप्शंस महंगे हों, तो खामखा राइटर को पैसे मत दीजिए, एट द मनी पे काम कीजिए। और वो पुट ऑप्शन अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, और स्विंग लेकर नीचे आ चुकी होगी। मैं अमूमन अगर आप देखें हाई वीस पे ऑप्शन नहीं देता हूँ, तो मैं इसलिए फ्यूचर्स पे ही रिकमेंडेशन देता हूँ या बात करता हूँ। तो सीधे अगर आप देखें यहाँ पे अंडरलाइन पे मेरा व्यू था, बट अंडरलाइन अब काफ़ी वीक है। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, और क्या अप्रोच करेंगे आप? आपको क्या अच्छा लग रहा है, शॉर्ट साइड पे या फिर लॉन्ग साइड पे? शॉर्ट साइड रहेगा वीरेन, और लगता है बैंकिंग क्षेत्र से, और स्टॉक जो मैंने चुना है बैंकिंग क्षेत्र से शॉर्ट के लिए वो है HDFC बैंक। यहाँ पर वीकनेस है और काफी हद तक क्लियरली है। 1380 का स्टॉप लगाना चाहिए HDFC बैंक पर, और छोड़ देना चाहिए। पॉसिबल है कि 1350 भी देखने को मिल सकते हैं, तो HDFC बैंक शॉर्ट। HDFC बैंक शॉर्ट, याद रखिएगा, ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। इसने अगर आप देखें अपने मल्टी मंथ बेस को वॉलेट कर दिया है। कल से हम इस पे शॉर्ट पे कई बार बात कर चुके हैं, अब थोड़ा शॉर्ट पे ही बात करेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम में हम जिन शॉर्ट स्टॉक्स पे शॉर्ट पे बात कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट प्रेशर आपको किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने का एक सबसे बढ़िया अगर आप देखें विकल्प है। ऑटो और